अंकिता भंडारी हत्याकांड पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने गहरी संवेदना व्यक्त की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाली हृदय विदारक घटना है। उन्होंने इस घटना में संलिप्त सभी आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा, हमने उत्तराखंड की एक बेटी को खोया है जिसके लिए सभी दुखी हैं। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए लोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जाहिर की। उन्होंने कहा, दोषियों को सजा देकर न्याय जरूर मिलेगा और इस घटना पर फर्स्ट ट्रैक कोर्ट सुनवाई होगी। साथ ही राजस्व पुलिस पर समीक्षा की बात कही। राजस्व पुलिस प्रदेश में कितनी कारगर है, विधानसभा अध्यक्ष ने उत्तराखंड में भू कानून को भी सख्त बनाए रखे जाने की बात कही। दुखद है कि एक नौजवान बेटी उत्तराखंड में खोई है और इस सिचुएशन में खोई है। बहुत ही दुखद है और कड़ाई से निर्णय होने चाहिए, फास्ट ट्रैकिंग होनी चाहिए ताकि जिस जो कल्प्रिट है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड का समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उत्तराखंड की ये संस्कार नहीं है। और मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहूँगी, हमें सोचना होगा कि रेवेन्यू पुलिस अब कितनी इफ़ेक्टिव है इस प्रदेश में, क्या पुलिसिंग अब हमें पुलिस पर छोड़ देनी चाहिए कि नहीं। दूसरा, भू कानून को इतना कड़ा कर दिया जाए कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं यहाँ उन पर रोक हो।